के। और सब उधर जाओ। बोले मेरे भारत माता के, बोले बोले भारत माता के। धन्यवाद अभिषेक जी। पिछले 10 दिन पहले हमने अभी कार्यालय में भी कहा, 10 दिन पहले हमने दशहरा मनाया था और दशहरा में 9 देवियों की पूजा किए थे और अंतिम दिन हमने अपने जब वास बहन रहती थी जो कि उसके साथ में उन मतलब कुछ दनिंद्रों ने मिलके बहुत बेरहमी तरीके से उसको मारा भी और मार के यहाँ तक अंजाम बता दिया कि मतलब गलती उसी की थी। अभी तक प्रशासन जो है अपना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और डीएम साहिबा से पूछने के लिए कि अभी तक आपने इस घटना पे इतना चुप्पी क्यों साधा हुआ है। आप भी एक महिला हैं और एक महिला की बात आपके जहन में नहीं उतर रही तो जाहिर सी ये बात है कि आपकी भी कुछ उसमें हाथ होगी। या तो हम लोगों को ये साफ साफ बता दीजिए कि आज तक की कार्रवाई क्या चल रही है, क्योंकि बहन ने तो अंतिम सांस ले लिया है और फिर वो वापस आने वाली है नहीं। तो जो आरोपी जो हैं वो जो बाहर घूम रहे, कम से कम उनको उनके ऊपर कार्रवाई तो किया जा सकता है ना। अगर हम किसी मुजरिम को पकड़ने जाते हैं तो हम उसके पैर में जो गोली मारते हैं उसके सीने में भी मार सकते थे। इतनी हमारी पुलिस प्रशासन की निगाहें कमज़ोर तो है नहीं, लेकिन अगर पैर में गोली मार कर उसके बाद उसको बंद किया जाता है और 3 को छोड़ दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिससे कि बहन की घटना को चुप्पी के साधन से इसको दबा दिया जाए। वीरों की धरती, जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। जब ये वीरों की धरती और वीरों की धरती पे महिलाएं असुरक्षित है तो सोचनीय विषय है या निंदनीय विषय है। एक साथ में ऐसा हो सकता है तो हम लोग खुद को भी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि जब आप इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिए और 3 को छोड़ दिए, आखिर क्या बात थी, हमको वो बात बता दीजिए जी। हम लोग आंदोलन करने पर बात होंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे जिनको न्याय दिला के ही मानेंगे।